वेलकम टू स्प्लेंडेड मॉम्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ ये वाली बुक, मेरी बेटी के लिए मैंने ये बाय किया है। इट्स ए वर्क बुक टू रिवाइज द फोनिक्स, थ्री लेटर वर्ड्स, ब्लेंडिंग्स और जो डायग्राफ्स होते हैं और जो कुछ साइट वर्ड्स होते हैं उनको अगर आप रिविजन करवाना चाह रहे हैं, यानी बच्चे ने ऑलरेडी पढ़ लिया है, आपको रिवाइज करने के लिए कोई वर्क बुक चाहिए तो ये वाली बुक सूट करेगी। तो एक बार बुक देख लीजिए, फिर आपको आइडिया मिलेगा कि इसमें क्या क्या है। ये मैंने रिसेंटली मेरी बेटी के लिए बाय किया है और उसने सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया है। इसको डेली एक दो पेपर उसको मैं करवाती हूँ, तो इस तरह की ये दिखती है। इट्स कॉल्ड स्पेलिंग मेड इजी बुक। इसको मैंने अमेजोन से लिया था। जैसे मैंने कहा, दिस इज सुटेबल फॉर पीपी टू किड्स, जिसको फोनिक्स, वावल्स और थ्री लेटर वर्ड्स आते हैं, क्योंकि ये सारी जो टॉपिक्स है ना, ब्लेंड्स वगैरह या फिर लॉन्ग साउंड्स ऑफ वावल, सबके रिलेटेड एक एक वर्कशीट इसमें प्रेजेंट है। तो आपको पहले पढ़ाना होगा, बच्चे को पहले वो टॉपिक आनी होगी, देन आप उनका टेस्ट इस बुक के थ्रू ले सकते हैं। इसलिए मैंने कहा ये एक वर्कबुक की तरह है, जहां पे आप जो भी बच्चे ने पीपी टू में पढ़ा है उसको रिवाइज कर सकते हैं घर पर। अक्सर क्या होता है ना, हमारे पास वर्कशीट्स नहीं होते, या फिर जो बच्चों की स्कूल की टेक्स्ट बुक होती है उसमें ज्यादा लिखने का वर्क नहीं होता। नोटबुक में हम किस तरह से लिखें, क्योंकि पिक्चर्स तो बहुत सारी ड्रॉ करनी पड़ती है जब हम उनको फोनिक या वावल साउंड्स या थ्री लेटर वर्ड्स, डायग्राम्स पढ़ा रहे हैं, तो ये सारी चीजों के लिए डायग्राम्स की जरूरत होती है। तो वर्कबुक अगर है तो काम बहुत आसान हो जाता है। सो ये है बुक जो मैं अपनी बेटी के लिए यूज करती हूँ टू रिवाइज हर फोनिक्स नॉलेज। सी, पहले शुरू में देख लीजिए इसमें क्या क्या है। अल्फाबेट्स, वावल्स, इनिशियल कॉन्सनेंट्स, मिसिंग कॉन्सनेंट्स, यानी जो थ्री लेटर वर्ड्स होते हैं उसमें फर्स्ट साउंड आइडेंटिफाई करना, लास्ट साउंड आइडेंटिफाई करना, देन मिडिल साउंड जो वावल मिस होता है वो आइडेंटिफाई करना, उसके रिलेटेड वर्कशीट्स है। देन दे हैव टू लेटर वर्ड्स, थ्री लेटर वर्ड्स जो साइट वर्ड्स होते हैं वो इसमें प्रेजेंट है। देन दे हैव ब्लेंडिंग, डायग्राफ्स, वन एंड मेनी यानी एडिंग एस, देन दे हैव लॉन्ग साउंड्स ऑफ वावल। कुछ और दूसरी भी टॉपिक्स हैं जो आपको बुक के अंदर देखने को मिलेंगी। सी, पहले अल्फाबेट का रिविजन है, देन यू हैव थ्री लेटर वर्ड्स, रीड करना है, वावल्स आइडेंटिफाई करना है, मिडिल साउंड्स, इनिशियल साउंड्स, एंडिंग साउंड्स जो लास्ट साउंड्स होती हैं सारी आइडेंटिफाई करना है, यानी थ्री लेटर वर्ड्स रिलेटेड वर्कशीट्स यहाँ पे है। देन यू हैव राइमिंग वर्ड्स रिलेटेड वर्कशीट। बहुत डिटेल में आपको ये बुक बता रही हूँ मैं, तो अगर आपको रिविजन पर्पज चाहिए तो ये बुक बहुत अच्छी रहेगी। यहाँ पे कुछ साइट वर्ड्स है, टू लेटर वर्ड्स, थ्री लेटर वर्ड्स एंड फोर लेटर वर्ड्स ऑल्सो, जो बच्चे को पढ़ना और लिखना है, आपको पढ़ के सुनाना है, देन दे हैव टू रिपीट इट एंड राइट इट ट्वाइस। देन यू हैव डायग्राफ्स, देन डबल कॉन्सनेंट्स LL, इस तरह से एंड साउंड्स FF, LL, SS जो डबल कॉन्सनेंट्स रिपीट होती हैं वर्ड के एंड में, उसके रिलेटेड वर्कशीट। देन फ्यू मोर वर्कशीट्स, वन इज कंपाउंड वर्ड रिलेटेड, यहाँ पे कुछ और साइट वर्ड्स हैं। देन दे हैव बिगिनिंग ब्लेंडिंग, फ्ल, क्ल, क्र, ग्ल, प्ल, इस तरह से जो ब्लेंडिंग बच्चे सीबीसी वर्ड्स के बाद सीखते हैं उसके रिलेटेड वर्कशीट। देन दे हैव एंड साउंड्स जो होते हैं ना, ND, NK, SK, किस तरह से पढ़ना है, आइडेंटिफाई करना है और बच्चे को यहाँ पे सॉर्ट करनी है। तो इस तरह से ये सारी वर्कशीट्स है। देन पाजल, रिपीटेड वावल्स को कैसे पढ़ना है, जब दो वावल्स ई एक साथ आते हैं या EA एक साथ आते हैं तो उनको प्रैक्टिस करवाने के लिए वर्कशीट्स है इसमें। देन लॉन्ग साउंड ऑफ वावल A रिलेटेड वर्कशीट, इसी तरह से E रिलेटेड, I एंड E रिलेटेड वर्कशीट, देन यू हैव O एंड U रिलेटेड वर्कशीट। मैजिक वर्ड्स की तरह भी बच्चे लॉन्ग साउंड्स ऑफ वावल्स को सीखते हैं उस टॉपिक में, मैजिक वर्ड्स टॉपिक में, उसी के रिलेटेड ये वर्कशीट है। देन यू हैव फ्यू मोर स्पेलिंग्स टू प्रैक्टिस, देन एंड में एक और वर्ड सर्च गेम। तो
तो इस तरह की ये बुक दिखती है। इन एंड आउट कम्प्लीटली मैंने आपको बता दिए कि कैसे ये दिखती है। सिंपल टू डू, वेरी इजी टू प्रैक्टिस है, बट बहुत अच्छी वर्कशीट्स है। आप घर पे अगर शॉर्ट टाइम में प्रैक्टिस करवाना चाहते हैं जो भी उन्होंने PP2 में पढ़ा है, या फिर अगर वो अभी पढ़ रहे हैं और घर पे आप उनको प्रैक्टिस करवाना चाहते हैं, रिवाइज करवाना चाहते हैं, तो ये बुक आप प्रेफर कर सकते हैं। रिसेंटली मैंने ली है और एंड आई थिंक 10 to 12 वर्कशीट्स मेरी डॉटर ने फिनिश कर दी है विद इन अ वीक। डेली 1 to 2 पेपर मैं उसको करवाती हूँ। ये मैंने अमेजोन से ली थी, नाम देखिए आप, स्पेलिंग मेड इजी, प्राइस 200 की ये आती है ऑन अमेजोन। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप चाहे तो जरूर चेक करिए। दिस इज फॉर एज ग्रुप 5 to 6। इसी तरह से कुछ और बुक्स भी आते हैं 6 to 7 एज ग्रुप के लिए, वो मैंने अभी ट्राई नहीं किया है। दिस इज फॉर एज ग्रुप 5 to 6, दिस इज मोर सुटेबल फॉर किड्स हु आर इन UKG और PP2, जिन्होंने अभी अभी डायग्राफ्स, ब्लेंडिंग्स, वावल साउंड्स, लॉन्ग वावल साउंड्स सीखी है, साइट वर्ड सीखी है, उनको प्रैक्टिस करवाने के लिए। सो ये था आज का वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा। हेल्पफुल लगा तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। हैप्पी पेरेंटिंग फ्रॉम स्प्लेंडेड मॉम्स। Happy parenting from splendid moms. Give us a thumbs up if you like the video, subscribe to our channel and hit the bell icon to get the notifications of our latest videos.